हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अबूजर। आज हम स्पोकन इंग्लिश का पहला दिन देखेंगे, माँ और बेटे के बीच कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन यानी बातचीत, गुफ्तगु देखेंगे कि इंग्लिश में किस तरह की जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहेगा। अगर आप इस तरह की और भी आगे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मदर, माँ कहती है, वाई हैव यू गॉट अप सो अर्ली टुडे, आज तुम इतनी सवेरे क्यों उठ गए हो। गॉट अप, ये गेट अप का सेकेंड फॉर्म यानी उठना, अर्ली यानी सवेरे। तो बेटा कहता है, आई हैव टू टेक एन एग्ज़ाम टुडे, मुझे आज एग्ज़ाम देने जाना है, इसलिए आज मैं सवेरे उठ गया हूँ। माँ कहती है, मदर वेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। तो बेटा कहता है, एट नाइन, 9 बजे। वाट इज़ देयर फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, आज नाश्ते में क्या है। तो माँ कहती है, आई विल कुक नाउ, मैं अभी बनाऊंगी। ये जो आई लिखा है ये आई विल का शॉर्टकट है, ठीक है। तो कहती है, टेल मी व्हाट वुड यू लाइक, मुझे बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगे। तो बेटा कहता है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ विच कैन बी प्रिपेयर्ड फास्ट, जो चीज़ें जल्दी तैयार हो जाए वो चीज़ें मैं खाना पसंद करूँगा। तो माँ कहती है, विल पराठाज डू, क्या पराठा चलेगा। तो लड़का कहता है, नो, नहीं, दे कॉज कॉन्स्टिपेशन, वो क्या पैदा करते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ पैदा करता है, अगर मैं खा लूँगा पराठा तो मेरे पेट में क्या कब्ज़ हो जाएगा। तो माँ कहती है, द कर्ड इज़ आल्सो रेडी, जो कर्ड है यानी दही है वो भी तैयार है, कर्ड के माने दही, ठीक है। तो बेटा कहता है, नो, नहीं माँ, मेक सम ग्रीन वेजिटेबल, कुछ हरी सब्ज़ी बनाओ, ठीक है, इसके अलावा। तो माँ कहती है, नाउ यू सजेस्ट, अब तुम ही बताओ, ठीक है, सजेस्ट के माने सुझाव देना, यानी तुम ही अब बताओ क्या खाना पसंद करोगे। सन, बेटा कहता है, स्पिनच विद पटेटोज, स्पिनच कहते हैं पालक को, यानी पालक और आलू बना दो। तो माँ कहती है, फाइन, ठीक है, एनीथिंग एल्स, इसके अलावा और भी कोई चीज़, एल्स के माने अन्य, यानी इसके अलावा भी और कुछ चाहिए तुम्हें। तो बेटा कहता है, मेक समथिंग स्वीट आल्सो, कुछ मीठा भी बना दो, ठीक है, अब कुछ बना ही रही हो तो अब कुछ मीठा भी बना दो। तो माँ कहती है, विल यू ईट कैरेट हलवा, क्या तुम गाजर का हलवा खाओगे। तो बेटा कहता है, नो, नहीं, इट विल टेक लॉन्ग, वजह क्या है ये, इट विल टेक लॉन्ग, बहुत टाइम लग जाएगा। खीर विल डू, खीर चलेगी, खीर चले चले, क्योंकि खीर अभी जल्दी बन जाएगी और जो गाजर का हलवा टाइम थोड़ा लगेगा। मदर, माँ कहती है, बट देयर इज़ हार्डली एनी मिल्क, यानी बहुत कम दूध बचा हुआ है, उससे नहीं बन पाएगा। तो बेटा कहता है, वेल, ठीक है, लीव इट, छोड़ दो इसको, आई हैव सुगर एंड कर्ड, मैं चीनी और दही दोनों खाऊंगा, यानी चीनी और दही दोनों मिलाकर खा लूँगा मिक्स करके। माँ कहती है, इट्स गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है, यू फर्स्ट टेक अ बाथ, पहले तुम क्या करो, जाकर नहा लो जल्दी से, ठीक है। बेटा कहता है, फर्स्ट आई हैव टू पॉलिश द शूज़, पहले तो मुझे अपने जूते पॉलिश करने हैं। तो माँ कहती है, डिडेंट यू डू दैट येस्टरडे, क्या तुमने इसे कल नहीं किया था, यानी कल तुमने पॉलिश नहीं की थी क्या। तो बेटा कहता है, यस, हाँ, आई डिड, मैंने तो पॉलिश की थी, टुडे आई हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी कैंपस, लेकिन आज मुझे कहाँ, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना है, इसलिए मुझे आज फिर भी पॉलिश करनी होगी। तो माँ कहती है, यू विल जस्ट वेस्ट टाइम इन पॉलिशिंग, तुम सिर्फ जूता पॉलिश करने में अपने टाइम गंवाओगे, बर्बाद कर दोगे। तो बेटा कहता है, नो, नहीं माँ, आई विल बी मीटिंग मेनी फ्रेंड्स टुडे, आज मैं अपने बहुत से दोस्तों से वहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में मुलाकात करूँगा। तो माँ कहती है, ओके, ठीक है, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, आई एम गोइंग टू द किचन, मैं किचन में जा रही हूँ तुम्हारे लिए खाना बनाने, ठीक है। अब कुछ देर बाद बेटा कहता है, आई हैव हैड माई बाथ, मैं नहा चुका हूँ। मदर, माँ, ले द टेबल, अब टेबल लगाओ, टेबल पे खाना उन लगा दो जल्दी से। तो माँ कहती है, टेबल इज़ ऑलरेडी लेड, टेबल पे तो खाना पहले से ही लगाया जा चुका है। तो बेटा कहता है, माई गुड मदर, मेरी प्यारी माँ, ब्लेस मी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे दुआ दो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, अब मैं क्या एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। तो माँ कहती है, मे गॉड बी विद यू, मे गॉड बी विद यू मतलब भगवान या अल्लाह सुभान व तआला आपके
साथ रहें, यानी आपकी हमेशा मदद करें, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।